हेलो दोस्तों, मैं हूँ गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज यम्मी फूड रेसिपी। दोस्तों आज आपके लिए आई है मेथी के साग की बहुत ही डिफरेंट टाइप की रेसिपी। और सबसे बड़ी बात, मेथी का साग बनेगा बहुत ही सिंपल तरीके से। ना आपको मेथी को काटना है, ना ही उबालना है, ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मेथी का साग हम बनाएंगे और बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर के साथ, लहसुन के फ्लेवर के साथ, जैसा कि आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर मैं इस साग को बनाने वाली हूँ लहसुन के फ्लेवर के साथ। और हाँ, पर एक बताओ कहूँगी कि अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते तो आप लहसुन स्किप कर दें और इस साग को ऐसे ही बनाएं एज इट इज, जैसे मैंने रेसिपी बताई है। तो दोस्तों रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं रेसिपी वीडियो की तरफ। तो अभी यहाँ पर मेथी के पत्तों का साग बनाने के लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम मेथी के पत्ते। इनको अच्छे से धुल लिया और इनका जो मोटा हिस्सा था वो काट कर निकाल दिया है और ऐसे छान कर रखा हुआ है। और अब हमें करना ये है कि इसे हम थोड़े थोड़े पत्तों को मिक्सी के जार में डालेंगे। बहुत थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं और मेथी के पत्तों का पेस्ट रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और मिक्सी के जार में हम थोड़े थोड़े पत्ते डालेंगे। जार छोटा है तो मैं पत्ते एक बार में थोड़े ही डाल रही हूँ। और दोस्तों आराम से ये मेथी के पत्ते पिस जाते हैं जार में। और यहीं पर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और बस ढक्कन लगाकर इन मेथी के पत्तों को हम पीस लेते हैं। यहाँ पर जो पत्ते लिए थे उनको मैंने पीस लिया है और मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ पत्तों को पीसने का, कि आप इसे वापस से इसी में, इसी जार में थोड़े थोड़े पत्ते और ऐड करते जाएँ। इससे क्या होगा कि हमें एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेथी को पीसने के लिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर यही पत्ते और डाल दूँगी और वापस से ढक्कन लगाकर हम मेथी के पत्तों को पीस लेते हैं। मेथी के पत्तों को पीस कर तैयार कर लिया है और इनका पेस्ट कुछ इस तरीके से रेडी होता है। और मिक्सी के जार को भी धुलने के बाद जो पानी था वो मैंने इसी पत्ते में डाल दिया है। और चलिए अब आपको नेक्स्ट स्टेप बता देती हूँ। और अब इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि हमें चाहिए होगी मूंग की दाल। जी हाँ, ये पीली मूंग की दाल है जिसे मैंने लगभग आधे घंटे से भिगो कर रखा हुआ था। तो दाल काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप थोड़ा और पहले दाल को भिगा सकते हैं। मैंने इसे 30 से 40 मिनट भिगोया है। भिगोने के बाद इसका पानी छान लें और चलिए अब देखते हैं कि आगे हमें इस दाल का करना क्या है। यहाँ पर एक काम हम और करेंगे कि मैंने ली हैं पूरे एक लहसुन की कलियाँ, पूरी एक पोटली लहसुन को अच्छे से छील लिया था। और इसके बाद से हम इसे इस तरीके से कूट लेंगे किसी छोटे खल मूसल में और इसे दरदरा कूटें। बहुत ज़्यादा पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से लहसुन को कूट कर हम पहले रख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर साग बनाने के लिए गैस पर रख दी है एक कढ़ाई। गैस को हम ऑन कर देते हैं और अब इस कढ़ाई में कोई तेल नहीं, कुछ भी नहीं डालेंगे, हम डालेंगे पानी। जी हाँ दोस्तों, ये साग बनता है बहुत ही डिफरेंट तरीके से। तो जब आप इस साग को बनाकर ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 गिलास पानी ऐड किए हैं और इस पानी को थोड़ा सा उबाल आने देते हैं। तो चलिए पानी में उबाल आता है फिर मिलती हूँ आपसे। तो अब जो है यहाँ पर पानी में, जैसा कि आप देख रहे हैं, उबाल आने लगा है। इस टाइम पर जो हमारी दाल है वो हम यहाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है सारी दाल। और अब हमें करना यह है कि इस दाल को थोड़ा सा कुक करना है जिससे कि ये हाफ़ बॉयल हो जाए। ध्यान रखें कि दाल को हमें प्रेशर कुकर में नहीं उबालना है, इसी तरह से किसी खुले बर्तन में उबालना है जिससे कि दाल जो है खड़ी खड़ी रहे। और दाल को हम एक बार छोड़ रहे हैं 5 से 6 मिनट के लिए सिम फ्लेम पर और 5 मिनट के बाद वापस चेक करेंगे कि दाल हमारी कितनी गली है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, मैं तो भूल ही गई कि इस टाइम पर हमें ऐड करना है नमक। जितना भी आपको लगता है कि साग में नमक की ज़रूरत है उतना नमक हम यहाँ पर पूरा का पूरा ऐड कर देंगे। और बस इसे जो है सिम फ्लेम पर मैं छोड़ती हूँ पकने के लिए और 5 से 6 मिनट के बाद वापस आपको चेक करके दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, दाल को एक बार चेक कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं दाल में थोड़े झाग भी बन रहे हैं पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और दाल को मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ हाथों से दबाकर। तो अभी आप देख रहे हैं दाल बहुत आसानी से इस तरीके से टूट रही है, इसका मतलब दाल हमारी कुक हो चुकी है। ध्यान रखें कि दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे हम, इसी तरीके से पकाएंगे लगभग 50%। और अब टाइम है दोस्तों यहाँ पर हमारे मेथी के पत्ते ऐड करने का। जो पिसी हुई मेथी है वो हम यहाँ पर सारा ऐड कर देते हैं और मेथी वाले बर्तन को भी धुलकर जो पानी हो वो आप यहाँ पर ले लें। इससे क्या होता है कि कुछ नुकसान नहीं होता। और अब मैं यहाँ पर फ्लेम को तेज कर रही हूँ। साग को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे दाल के साथ और तेज़ फ्लेम पर एक बार मैं इसे छोड़ूंगी जब तक कि इसे साग में उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद देखते हैं कि और क्या करना है।
तो दोस्तों जब तक मेथी का साग बन रहा है तब तक क्यों ना इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना शेयर करती हूँ आपके साथ। जब मैं शादी होकर राजस्थान आई, शादी के बाद पहली बार जब मुझे ये साग खाने को मिला तो मतलब देखते ही मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी, और मैं अड़ गई कि मुझे नहीं खाना। पर मेरे हस्बैंड ने जबरदस्ती करके नहीं तुम एक बार खाओ, एक बार टेस्ट करो, बहुत बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने एक रोटी से और इस साग को टेस्ट किया, एक बाइट खाया, दूसरा बाइट खाया और तीसरा बाइट खाते ही मुझे लगा कि वाओ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, साथ ही बहुत हेल्दी भी है और जैसे देखने में ये एकदम ग्रीन ग्रीन है, इसे कैसे खाएंगे पता नहीं कैसा लगेगा। पर विश्वास मानिए आप लोग कि मैं उसके बाद से इस साग की फ़ैन हो गई। हर सी मतलब हर सर्दी जब आती है तो मैं मेथी का साग जो है ज़रूर बनाती हूँ, और वीक में एक या एक बार या दो बार तो बनाती ही बनाती हूँ। अब मैं खुद इसकी फ़ैन हो गई हूँ और सबको बनाकर खिलाती हूँ अपने हाथों से। तो ये घटना थी छोटी सी, और आई होप आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और ज़रूर बनाकर खाइएगा। मेरे कहने से एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए साग को चेक कर लेते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं साग में उबाल आने लगा है। इस टाइम पर हमें एक चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है, वो है कुटा हुआ लहसुन। तो यहाँ पर लगभग हाफ लहसुन यानी कि एक पूरी पोटली लहसुन की उसका हाफ पार्ट मैंने यहाँ पर कूट कर ऐड किया है। तो कुटा हुआ लहसुन डालने से दोस्तों साग का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, इसे मैं आपको कहूँगी कि आप कूट कर ही ऐड करें। और जो हाफ लहसुन है उसे हमने रखा है अपने तड़के में ऐड करने के लिए। और बस यहाँ पर अब मैंने फ्लेम को सिम किया है, इसे हम पकाते हैं एक बार 5 से 7 मिनट के लिए, और उसके बाद से मैं आपको वापस दिखाती हूँ कि साग कैसा दिख रहा है और इसमें हमें और क्या क्या करना है। 5 मिनट के बाद हम साग को चेक कर रहे हैं, और जैसे जैसे साग पकेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि साग का कलर जो है थोड़ा सा डार्क होने लगता है, ये ग्रीन से हटकर थोड़े डार्क कलर पर आने लगता है। तो यही साग पकने की पहचान है। और अभी हमारे साग में आप देख रहे हैं कि दाल अलग है और जो है ग्रीन कलर अलग है। तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। और एक बात और कहूँगी कि अगर आपको पानी कम लगे कि पानी कम है, साग गाढ़ा है, तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लें बीच बीच में। तो अभी यहाँ पर मुझे पानी जो है नॉर्मल लग रहा है, तो मैं इसे इसी तरीके से 5 मिनट और पकाती हूँ, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। और अभी यहाँ पर हमें एक काम और करना है कि मैंने लिया है गेहूं का आटा, सिंपल गेहूं का आटा है, 2 नॉर्मल चम्मच जो होते हैं खाने वाले चम्मच उनसे भरकर मैंने गेहूं का आटा लिया है। अगर आप साग ज़्यादा बना रहे हों, 250 ग्राम से ज़्यादा पत्ते हों आपके पास, तो आप गेहूं के आटे की क्वांटिटी बढ़ा दें। और इसके बाद से हम यहाँ पर डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद आटे को अच्छे से मिला लें, और इसका हमें एक घोल रेडी करना है। ध्यान रहे कि आटे में कोई गुठली ना रहे, अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लें। और ये घोल थोड़ा सा पतला होना चाहिए, तो मैं पानी थोड़ा सा और ऐड करती हूँ। साग को वापस से मैं चेक कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो गई है, पर अब मुझे लग रहा है कि थोड़े से पानी की और ज़रूरत है, क्योंकि जब हम इसमें आटे का घोल ऐड करेंगे तो साग जो है गाढ़ा होगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी लगभग 1/2 ग्लास और ऐड कर दिया है, और इसे 2 मिनट और पकाती हूँ। तो अभी जो मैंने पानी डाला था उसके बाद से साग में अब उबाल आने लगा है बढ़िया सा। इस टाइम पर हमें अब ऐड करना है आटे का घोल जो मैंने बनाया था, और इस घोल को हम बहुत धीरे धीरे बहुत ही हल्के हाथों से डालेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने अभी आटे का थोड़ा सा घोल डाला और इसे लगातार चला रही हूँ, जिससे कि आटे की कोई गुठली ना बने। थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे लगातार चला दें। और इस टाइम पर दोस्तों ध्यान रखें कि फ्लेम एकदम तेज़ होनी चाहिए, फ्लेम को सिम नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा डालकर लगभग 1-1 चम्मच, और हम इस तरह से आटे के घोल को चलाते रहेंगे। इस आटे के घोल को डालने का यही रीज़न है क्योंकि मेथी की जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है, और मेथी का साग ऐसा बनता है कि आप जान भी नहीं पाएंगे कि आप मेथी का साग खा रहे हैं। तो मेथी के साग की कड़वाहट को हटाने के लिए इस तरीके से आटे का घोल ज़रूर ऐड करें। अगर आपके पास आटा नहीं है तो आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, मक्के के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे भी चाहें आप इस साग को बना लें। तो यहाँ पर अभी मैंने आटे का सारा घोल ऐड कर दिया, और साग को मैं लगातार चला रही हूँ, और चलाते चलाते आप देख रहे हैं कि साग जो है गाढ़ा भी होने लगा है। पर अभी इस टाइम पर हम इसे थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से चलाएंगे जिससे कोई आटे की गुठली ना बने। और जब अच्छे से चला लें, इसमें हल्की सी उबाल आने देंगे, तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं साग को लगातार चला रही हूँ, और अभी आप देख रहे हैं कि साग में अब उबाल आने ही लगा है। तो बस यहाँ पर हमें अब फ्लेम को सिम करना है, और इस साग को 5 मिनट और पकने देना है, क्योंकि अभी हमने जो आटा डाला है उसका कच्चापन जो है निकलना ज़रूरी है। तो बस 5 मिनट मैं इसे पकाऊंगी, और फिर उसके बाद से हम करेंगे अपने तड़के की तैयारी। और तड़का भी बहुत स्पेशल होने वाला है, तो पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए 5 मिनट छोड़ देते हैं इसको पकने के लिए।
5 मिनट हो गए हैं साग को पकते पकते, और अब इस टाइम पर जैसा कि आप देख रहे हैं साग काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। आप चाहें तो इस साग को थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हैं, मैं इसे ऐसे ही बनाती हूँ। तो साग हमारा बहुत बढ़िया से पक चुका है दोस्तों, दाल भी काफ़ी अच्छे से घुटी हुई है, साथ ही जो है गाढ़ापन भी काफ़ी अच्छा है। तो अब मैं गैस को बंद करूँगी, इसे और नहीं पकाएंगे, और चलिए इसके बाद करते हैं अपने तड़के की तैयारी। तड़के के लिए मैंने लिया है एक छोटी कढ़ाई में लिया है तेल। आप यहाँ पर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी क्या होता है, साग बच गया अगर हमने फ्रिज में डाल दिया तो थोड़ा जम सा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर तेल का यूज़ कर रही हूँ। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें जीरे का तड़का, और जीरे के साथ ही साथ हींग डालेंगे। जीरे के तड़कते ही यहाँ पर डालेंगे सूखी लाल मिर्चें। लाल मिर्चों को मैंने तोड़ कर रखा हुआ है, और मैंने कुल 4 सूखी लाल मिर्चें ली हैं, क्योंकि साग में टेस्ट इसी लाल मिर्चों से आता है, इतना ही तीखापन है जो हमने इसमें डाला हुआ है। और एक बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को फ्राई कर लेते हैं। और प्याज के भूनते ही हम डालेंगे 2 कटे हुए लाल टमाटर जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था, साथ ही अदरक डाली है जो कि लगभग 1 चम्मच है, जिसे बारीक काट लिया था, आप चाहें तो क्रश भी कर सकते हैं। और अब टमाटर को भी हम यहाँ पर अच्छे से फ्राई करेंगे। टमाटर भी जो है काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं, तो अब इसके बाद मैं डालूँगी गार्लिक। हाफ गार्लिक मैंने साग में डाला था और हाफ गार्लिक मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और गार्लिक के साथ ही साथ हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे कि तड़के में कलर बहुत बढ़िया सा आता है। और गैस को बंद कर दूंगी मैं, गार्लिक को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। और बस लीजिए, हमारा बढ़िया सा तड़का तैयार है। तो अभी यहाँ पर जैसा कि दोस्तों आपने देखा, मैंने लगाया है दाल में तड़का, और दाल का तड़का देखने से ही बहुत ही टेंटिंग लग रहा है। इसे मिला लीजिएगा अच्छे से, रोटियों से खाइएगा, और मैंने नहीं मिलाया क्योंकि साग की खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मजाक कर रही थी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। फिर मिलूंगी अपने नए वीडियोस में नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।